ये सब कौन है आदित्य? यहाँ हो क्या रहा है? और तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? I love you ना अंजलि। शराब पी कर आए हो? सिर्फ इसने नहीं, हम सबने पी रखी है। अंकल बाहर कैसे आए? ये एक सुपर एडवेंचरस और थ्रिलिंग स्टोरी है। तुम कौन हो? मैं एक फुल टाइम चोर हूँ मैडम। चोर है? चोर? हाँ, एक बहुत ही काबिल चोर। और तुम कमला, नाइस मीटिंग यू। डैडी की गर्लफ्रेंड है। ये फुल टाइम अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसने अब तक ओनली 20 खून किए हैं। पुलिस और भाई लोग सब लोग इसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं। और ये मेरे डैडी की गर्लफ्रेंड है, होने वाली बीवी भी शायद। अंकल की गर्लफ्रेंड? हाँ, मैंने प्यार किया। एवरग्रीन लव बर्ड्स, हाय नजर ना लगे। तुम कौन हो? मैं हूँ एक प्रोफेशनल गर्लफ्रेंड। आदि के बर्थडे पर इसका वन नाइट बेस्ट गिफ्ट है। क्या गिफ्ट? वो एक अलग स्टोरी है, फुर्सत में बताऊंगा। अभी बता दो कैसे तुमने काम तमाम किया। काम तमाम कर दिया? अरे काम तमाम मतलब प्रॉब्लम सॉल्व किया, दूसरे एंगल में मत सोचो। ओहो, मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने क्या प्लान किया था और ये क्या हो रहा है? प्लान किया था कब? कुछ दिनों पहले किसी घटिया आदमी ने मेरे डैड को कॉल करके हमारे बारे में सब कुछ बता दिया, इसलिए उन्होंने जयन के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी। ये सब तो मुझे भी पता है। तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने नाटक किया कि मैं जयन के साथ शादी करने के लिए राजी हूँ और सामान वाले सूटकेसेस तुम्हें दे दिए। वही कपड़े तो मैं और डैडी पहन रहे हैं। इडियट, शादी के बाद मुझे कपड़ों और बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? और इसीलिए तुमने मुझे दिया हुआ हर एक गिफ्ट मैंने सूटकेस में पैक करके तुम्हें संभालने के लिए दिया था। लेकिन भागने का प्लान बनाया था तो जयंत से शादी करने का वेट क्यों किया? पहले क्यों नहीं बताया सब? मेरे डैड बहुत स्मार्ट हैं। ज्यादा ही। शादी की बात उन्होंने मुझे लास्ट मिनट बताई और उसके बाद नो फोन्स नो फ्रेंड्स, इसलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पा रही थी। सही टाइम का इंतजार किया और फिर मैं भाग निकली। रुक आदि, गाड़ी रोक। मैंने कहा गाड़ी रोक। बता दो हुआ क्या है। एक मिनट रुको। सुनो, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। मुझे नहीं पता था अंजलि तुमसे इतना प्यार करती है। अब पता चल गया ना? अब पता चल गया, पर बेहतर होता अगर इसके पापा को फोन करने से पहले मुझे पता चल जाता। मैंने ना तुम्हारे बारे में इसके पापा से बहुत सारा झूठ बोला है। मैंने बोला कि वो तुम्हारी लड़की को घुमा फिरा के छोड़ देगा। फोन करने वाले घटिया आदमी आप थे? हाँ, अपने बेटे को खोने के ख्याल से मैंने ये नीच हरकत की। रुको, रुको आदि, क्या कर रहे हो? रुक जाओ। गाड़ी क्यों नहीं रुकता? कम से कम इस प्लान के बारे में मुझे तो पता होता। जो लेटर मैंने तुम्हें दिया था उसमें पूरा प्लान लिखा हुआ था। सॉरी, उस दिन अंजलि के लेटर में जो लिखा था वो गलत पड़ा। जो असली लिखा हुआ है तू ही पढ़ ले। ऐसे मत देख यार, तुम मेरा बेस्टी है ना। अंजलि के डर से तुझे खो दूंगा, इसलिए ये सब किया। आई एम रियली सॉरी यार। भाड़ मचाए तू और तेरा सॉरी। तुम सबने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। उतरो नीचे। क्या यार, हम सब अच्छे दोस्त है ना। ना तो किसी की बकवास सुनी है ना शक्ल देखनी है। चलो उतरो नीचे। ओके, लात मार के निकाल दिया। I'm sorry, अंजलि। समझ नहीं आता मेरे डैड ने तुम्हारे डैड को कॉल क्यों किया और उस स्टीव ने लेटर क्यों छुपाया। पर मुझे वो सब कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। आई लव यू अंजलि। मैंने जो रिंग दी थी वो कहाँ है? उसे सेफ रखने के लिए दूर के बैंक के लॉकर में सेफ रख कर आया हूँ। एक भी निशानी नहीं चाहिए। इस थर्ड क्लास अंगूठी को भी फेंक देता हूं। वैसी सेम रिंग तुम्हारे पास भी है। स्टॉप द कार। प्लीज अंजलि, गलत फहमी हो गई थी। रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट करते हुए मुझे ये रिंग पड़ी मिली। तुम कार रोकते हो या मैं कूद जाऊं? रुको, रोकता हूं। प्यार के लिए कभी कभी जिंदगी भर वेट करना पड़ता है। तुम्हें तो ये यकीन तक नहीं था कि मैं आऊंगी। अरे, एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि अंजलि ने ऐसा क्यों किया? एक बार भी ख्याल नहीं आया कि अंजलि तुम्हें छोड़कर क्यों गई? बस तुमने पीना शुरू कर दिया और लड़कियों के साथ घूमना फिरना भी। मैंने ये रिंग तुम्हें कितनी प्यार से दी थी और तुमने उसे निकाल कर फेंक दिया। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुमसे प्यार क्यों किया। और अब मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अंजलि प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुन लो। अब मैं जाकर उसी लड़की से शादी करूंगी जो मेरे डैड मेरे लिए चुनेंगे। आई हेट यू, गुड बाय।
मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं आदित्य। I will kill you, you cheetah. हेलो यारा। अरे तुम लोग यहाँ पर कैसे? तू हमें बीच सड़क में छोड़ के गया, तुझे क्या लगा हमें कोई नहीं पूछने वाला? क्या दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाल, पुलिस हमें यहाँ लाई है। ए, 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 रुक जाओ, रुक जाओ। सर, देसी घी की मिठाई लाए हो ना? मिठाई बाद में खाना, पहले शेर सुन। खुशी ऐसी कि मन में ना समाए, चलो इसी बात पर पहले कुछ मीठा हो जाए। बड़ा मुँह खोल, लड्डू बड़ा है। सर बात क्या है? मुझे प्रमोशन मिला है, मैं ACP बन गया हूँ। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू राजा। तुम सब नहीं होते तो ये प्रमोशन कैसे होता? तुम भी मुंह खोलो राजा। हाथ खोलो ना सर, ताकि हम अपने हाथों से आपका मुंह मीठा कर सके। हाथ खोल दूं? तुम्हें पकड़ा तब जाकर तो मैं इंस्पेक्टर से ACP बना हूँ। कुछ भी, ड्रिंक एंड ड्राइव के केस से आपको प्रमोशन मिल जाएगी। हा? सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव बोल के प्रमोशन का अपमान मत करो। बहुत बड़ा केस फाइल किया है। बड़ा केस? क्या बात है सर, अगर आज बड़ा नहीं तो कुछ भी नहीं। गॉडज़िला अगर 2 फीट की छिपकली होता तो क्या इतना बड़ा हिट होता? यानी मैंने जो कहा वो करेक्ट है ना? परफेक्ट सर। एक्चुअली बात यह है कि तुम रियल एस्टेट कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हो। हाँ सर। अब वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट बोला तो उसमें क्या बड़ा बोला? अगर बोला कि तुम अलकायदा के टेररिस्ट हो तो बात बनेगी ना। सर सर मैं टेररिस्ट नहीं हूँ सर, प्लीज मुझे जाने दो सर, मैंने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट, तुम जेब कतरे हो ना, अब अगर यही बोला तो उसमें कुछ बड़ा बोला क्या? लेकिन अगर तुम नेवी आर्मी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराकर टेररिस्ट को सप्लाई करते हो ये बोला तो बड़ी बात होगी ना। अरे बड़े बोल बड़े अनमोल, जस्ट इमेजिन। अब इसे कहां सेट करूं? ये जंगल के किसी जंगली जानवर जैसा लगता है, इसको परमानेंट केस में अंदर डालता हूं। सर मैंने पहले ही आपकी इतनी तारीफ कर दी, अगर मैं जंगली जानवर होता तो मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसे हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता राजा, इंडिया में टाइगर्स की गिनती कम होती जा रही है और वो तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? बता हिरन और लोमड़ी का शिकार कौन करता है? आज कोर्ट में बॉलीवुड स्टार्स पर केस चलते हैं तेरी वजह से। मैंने कुछ नहीं किया। चंदन की तस्करी, हाथी दांत की चोरी, मर्डर, स्मगलिंग, इधर का माल उधर करना, यही नहीं टाड़ा फाड़ा और नाड़ा, तुम पर सारे केस चलने चाहिए। ओह माय गॉड, मुझे उस गुनाह की सजा मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं। कुछ करो वरना मुझे फांसी पे लटका देंगे। अबे ऐसे केस में सिर्फ 10 साल की जेल होती है, फांसी नहीं लगती। भाई ये तो बता, रेप के केस में फांसी होती है क्या? तो मैं तुझे लटकाऊंगा सीधा ऊपर। ये रेप का आइडिया मस्त है, लेकिन रेप का शिकार होगा कौन? सर कंप्लेंट लिखिए कि मेरा रेप हुआ है। अटेम्प्ट टू मर्डर भी लिख लीजिएगा। ये लड़की कौन है? आई लव यू लेडी राजा। ये आदित्य एक नंबर का चीटर है, मासूम लड़कियों के साथ खेलना इसका पुराना शौक है। ओए! सर ये लड़की कौन है? मैंने इसे आज तक कभी नहीं देखा। आपने देखा ना सर, हम एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। एक ही अपार्टमेंट में? इसने मेरी फीलिंग्स का भी मजाक उड़ाया और मुझे अपने प्यार के चक्कर में फंसाकर उल्लू बनाया। मैं तो सीरियस हो गई, लेकिन इसने मुझे इग्नोर किया। क्या इग्नोर? पहले मुझे आई लव यू कहते कहते इसकी जबान थकती नहीं थी। और आज मुझे देखता तक नहीं है। मैं इस आदित्य को कभी माफ नहीं करूंगी। आयला, तुम इतने टाइम से चाकू लेकर यारा के 12 बजाना चाहती थी? अरे तूने इस लड़की को पहले कभी देखा है क्या? मैंने कहा था ना कोई तो है वहाँ पर। इस लड़की को छोड़ दो, कंप्लेंट लिख लो और जाने दो इसे। सर 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 प्लीज हमें जाने दीजिए। मैडम कंप्लेंट लिखवाना मत भूलना। प्रेस मीट में ऐसे सही सलामत मत जाना, बॉडी पर जख्म और खून के निशान होने चाहिए। ऐसा केस करना कि 10-15 साल जेल में सड़े। साइको कहीं के कौन है तू? व्हाट एन आईडिया। ए कांस्टेबल्स कम ऑन, इन सब को अंदर डालो और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाओ। काहे को ये आफत की पुड़िया कौन है रे? यारा अपनी ये सिचुएशन देखकर मुझे एक कहावत याद आ रही है, आसमान से टपके और जेल में अटके।